जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखाने वाला हूँ जो आपके सैमसंग के डिवाइस में तो है लेकिन हो सकता है आप लोग यूज़ नहीं करते हो। और बिलीव मी, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। मैं पर्सनली मेरे डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ और बहुत ही यूजफुल फीचर है। चल झूठा। और मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जेस्चर्स है और कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि मैं जब भी टेक रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जेस्चर है कीबोर्ड के अंदर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया है इस जेस्चर को और बहुत ही यूजफुल जेस्चर है। तो चलिए देखते हैं क्या जेस्चर है। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद वहाँ पर जो पॉइंटर होता है उसको आप बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हो। और इसको करने के लिए सिंपली आपको ये करना है कि आपका जो स्पेस बटन है वहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अलग टाइप का एक लेयर आ जाएगा। वहाँ पर अगर राइट या फिर लेफ्ट पर स्वाइप करोगे आप तो वो पॉइंटर राइट लेफ्ट पर स्वाइप हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल जेस्चर है। और ये तो हो गया सबसे पहला जेस्चर, और भी एक है जो कीबोर्ड के अंदर ही है। इस जेस्चर को यूज़ करके आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो कॉपी या फिर कट करने के लिए। और इसके लिए सिंपली आपको ये करना है कि जो स्पेस बटन है उसको लॉन्ग टैप करके रखना है और उसके बाद दूसरा फिंगर से जो खाली जगह है वहाँ पर टैप करना है और स्पेस बटन को स्लाइड करते जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्लाइड में कर रहा हूँ और टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सैमसंग का बहुत ही पुराना फीचर है, मैंने किसी वीडियो में नहीं दिखाया इससे पहले क्योंकि मैंने भी नोटिस नहीं किया था। हाल ही में मैंने नोटिस किया इसलिए सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर जो सेकेंड जेस्चर है ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन सैमसंग का ही है। मतलब आप सैमसंग गैलेक्सी जो स्टोर है वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा और इसका नाम है वन हैंड मोड प्लस। तो वहाँ से आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, सभी मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर जब इसको ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको इसको टर्न ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप नीचे देख सकते हो दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट हैंड और दूसरा है राइट हैंड। मतलब दोनों साइड के लिए जेस्चर काम करेगा। और बेसिकली इस जेस्चर के थ्रू आप बैक या फिर स्क्रीनशॉट या फिर रिसेंट मेनू, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो इसको सेटअप करने के लिए सिंपली आपको टैप करना है राइट या फिर लेफ्ट पर। और इसके अंदर आप देख सकते हो तीन जेस्चर डायरेक्शन का ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों के अंदर आप कोई भी शॉर्टकट ऑपरेशन सेट कर सकते हो। और उसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल कर दोगे तो इसके अंदर आप और भी तीन ऑप्शन मतलब ऑपरेशन सेट कर सकते हो। ऐसे ही आप दोनों ऑप्शन के अंदर मतलब लेफ्ट और राइट ऑप्शन के अंदर 6-6 करके मतलब 12 ऑपरेशन एक साथ सेट कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं राइट साइड से स्वाइप डाउन कर रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट क्लिक हो जा रहा है। उसके अलावा अगर मैं स्वाइप अप करूँ तो आप देख सकते हो रिसेंट पर चला जा रहा है। तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से और मुझे बहुत ही यूज़फुल जेस्चर लगा। मतलब एक एप्लीकेशन है जो सैमसंग का ही है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं है। सैमसंग का एक एप्लीकेशन है जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी है, तो आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अगला जेस्चर है ये बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्टिवेट रहता ही है। अगर आपका ऑन नहीं है तो सिंपली आपको ऑन करना है। तो मैं दिखाऊंगा कैसे ऑन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस जेस्चर के थ्रू अगर कोई इनकमिंग कॉल आता है तो कॉल आने के टाइम एक रिंगटोन बजता ही है, आमतौर पर बजता है ये, तो उसको म्यूट कर सकते हो इस जेस्चर के थ्रू। सिंपली ये करना है कि आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर वाला पोर्शन पर हाथ रखना है या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ मोबाइल को पूरा बैक फ्लिप कर देना है, मतलब पलट देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो रिंगटोन है वो ऑफ हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे ऑन करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपना सेटिंग्स ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स पर। देन यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा मोशन एंड जेस्चर का। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है म्यूट जेस्चर का। इस ऑप्शन को सिंपली एनेबल करना है, अगर डिसेबल है तो एनेबल कर देना है और इसी के बाद आप इस जेस्चर को यूज़ कर पाओगे बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर जो अगला जेस्चर है ये मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो पर दिखाया था। तो इस जेस्चर को बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, जितना मुझे पता है बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं। इस जेस्चर के थ्रू आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पर स्वाइप डाउन करके अपना नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सेटअप करना है। और सेटअप करने के लिए सिंपली आपको जाना है मोशन एंड जेस्चर पर ही। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको फिंगर सेंसर जेस्चर का। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर ये ऑप्शन डिसेबल है तो इसको एनेबल कर देना है। और एनेबल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देख सकते हो मैं अपने फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पर स्वाइप डाउन कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो रहा है और स्वाइप अप करने पर ये क्लोज भी हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ और आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर स्वाइप डाउन कर रहा हूँ
और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जा रहा है और ऐसे ही ऑफ भी हो रहा है। तो ऐसे ही आप इस फीचर को यूज़ करके देख सकते हो। अगर अभी आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करके देखना और कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। नहीं तो यहाँ पर जो अगला जेस्चर है इसको अगर आप इनेबल कर दोगे तो आपका जो डिस्प्ले है वो स्मार्ट डिस्प्ले की तरह काम करेगा। मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल को यूज़ करते हो और यूज़ करने के टाइम मान लो कि कोई बुक पढ़ रहे हो आप, मतलब वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बट जो स्क्रीन टाइम आउट है उसके बाद तो स्क्रीन खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। बट इस जेस्चर को अगर आप इनेबल कर दोगे तो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा जब तक आप मोबाइल के डिस्प्ले की तरफ देखोगे। और इसके लिए मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है मोबाइल उसी को यूज़ करता है, मतलब आपको आपका जो आइज है उसको ट्रैक करता है आप कहाँ पर देख रहे हो और उसी को यूज़ करके आपका डिस्प्ले को टर्न ऑन रखता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इनेबल करना है। इसके लिए सिंपली आपको वहीं पर जाना है मोशन एंड जेस्चर पर और यहाँ पर जो कीप स्क्रीन ऑन वाला ऑप्शन है इसको टर्न ऑन कर देना है। तो मुझे बहुत ही यूजफुल ऑप्शन लगा, हो सकता है आपके फोन में डिसेबल हो तो आप चेक कर सकते हो, अगर डिसेबल है तो इनेबल कर सकते हो और यूज़ करके देखना कितना यूजफुल है मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। तो यही था कुछ जेस्चर। अगर आप इनमें से कोई जेस्चर पहले से यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट पर बता सकते हो। आप बेसिकली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जो यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।